नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया मोटिवेशन स्पीकर बिजनेस कोच स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करूंगा बहुत ही मजेदार टॉपिक पर। वो बहुत ही मजेदार कहावत है कि भाई मैं कदम कदम पर बदलता हूं यहीं। क्या कि भाई मैं कदम कदम पर बदलता हूं यहीं, मैं वक्त हूं जनाब, रुके रहना मेरा काम नहीं। तो कहने का मतलब यहां पर इतना ही है कि वक्त जो है वो कभी भी ठहरता नहीं है, वो बदलता ही रहता है। और अगर हम इंसान जो है वो वक्त के साथ बदले नहीं तो वहीं के वहीं ठहर जाए। तो आज कुछ ऐसे ही बिजनेस के बारे में बातचीत करूंगा, एज वेल एज हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है उसके फ्यूचर फोरकास्टिंग पर बात करूंगा। क्या है ये फ्यूचर फोरकास्टिंग? कि भाई कुछ ऐसी भविष्यवाणी, कुछ ऐसा प्रिडिक्शन कि जो आने वाले समय में हमारी पूरी सोसाइटी में, इस पूरी इंडस्ट्री में होने वाली है, पर जिसके बारे में हम सभी लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो आज कुछ ऐसे ही बिजनेसेस के बारे में बातचीत करेंगे जो आज तो बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, पर आने वाले समय में जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑटो इंडस्ट्री से। तो क्या चेंज आने वाला है ऑटो इंडस्ट्री में? तो सबसे पहले ऑटो रिपेयर शॉप्स विल बी डिसअपीयर। क्या? जी हां, आज आपको मार्केट के अंदर जितनी भी ये ऑटो रिपेयर शॉप्स जो है वो दिख रही है, वो कुछ ही समय के अंदर पूरी तरह से बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मार्केट में पेट्रोल और डीजल कार जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कार का ही जो है वो दबदबा होगा। अब यहां पर ये गणित समझिए कि क्यों ये ऑटो रिपेयर शॉप्स जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं उसमें छोटे मोटे सब कुछ मिलाकर टोटल 2000 से ज्यादा जो है वो पार्ट्स होते हैं, और वहीं पर इलेक्ट्रिकल कार्स में ज्यादा से ज्यादा 20 पार्ट्स ही होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक कार आने की वजह से उसमें कोई भी ऐसा पार्ट्स ही नहीं बचेगा जो ऑटो रिपेयर, जो लोकल शॉप वाले जो है वो उसको रिपेयर कर सके या उसको चेंज कर सके। और इसी वजह से ऑटो रिपेयर शॉप जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और ये सब इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो भी फ्यूचर में लाइफ टाइम वारंटी के साथ बिकेगी। और इसके अलावा अगर उसमें कोई फॉल्ट भी आ गया तो वो फॉल्ट भी सिर्फ और सिर्फ वो ऑटो डीलर जो है वो ही उसको सोल्ड आउट कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त की ऑटो रिपेयर शॉप जो है उसका भविष्य बहुत 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 खराब है। और अगर आप में से कोई भी लोग इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड है तो आज ही उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करने लगी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो आगे जाकर बहुत ही तकलीफ देने वाली है। दूसरा चेंज जो इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है वो ये है कि भाई पेट्रोल पंप्स एंड कोल इंडस्ट्रीज विल गो अवे। क्या? जी हाँ मेरे दोस्तों, आने वाले समय में सभी जगह पर पेट्रोल पंप जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पेट्रोल और डीजल कार ही नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही चलेगी। और इसीलिए जो जमीन में से ऑयल निकालने की जो ड्रिलिंग प्रोसेस होती है वो प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब तो यही है कि आने वाले समय में जल्द ही ओपीईसी को गुड बाय कहने का समय भी आ जाएगा। क्या है ये ओपीईसी? ओपीईसी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या हुआ इसका मतलब? कि भाई सबसे बड़े 5 कंट्रीज जो पूरी दुनिया को जो है वो पेट्रोलियम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला एज वेल एज सऊदी अरबिया शामिल है, इन सभी कंट्रीज पर हमें जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, इन सभी कंट्रीज के सामने हमें जो है वो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और तीसरा चेंज जो इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है वो ये है कि भाई व्हाट हैपेंड टू कोडक will happen with many industries in next 10 years. क्या कभी लोगों ने सोचा भी था कि कोडक, जिसके पास 1998 में 1,70,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे और जो पूरी दुनिया को सिर्फ अकेला ही 85% फोटो पेपर जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा था, वो सेल कर रहा था, वो आने वाले कुछ ही समय में पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाएगा, पूरी तरह से उसका दिवालिया निकल चुका होगा? नहीं मेरे दोस्त, किसी ने ये नहीं सोचा था। और जो हाल कोडक का हुआ था वही हाल आने वाले 10 साल में कई सारी इंडस्ट्री का होने वाला है। कई सारे लोग ये फ्यूचर देख नहीं रहे, पर ये सभी चीजें हम सभी लोगों की आंखों के सामने होने वाली है, इसलिए फ्यूचर के लिए तैयार रहिए। चौथा चेंज जो इस पूरी सोसाइटी में आने वाला है वो ये है कि भाई इफ यू स्टडी लॉ देन स्टॉप इट इमीडिएटली। अब आप सभी लोग ये बोलेंगे कि मैं जो है वो बकवास कर रहा हूँ। नहीं मेरे दोस्तों, मैं कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी लोग आज LLB का पढ़ रहे हैं या फिर आने वाले समय में LLB करने का सोच भी रहे हैं, तो इस विचार को आज ही वहाँ पर ब्रेक लगा दीजिए, क्योंकि USA में आज कई सारे यंग लॉयर्स जो है उसको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि IBM कंपनी ने अपना वॉटसन नाम का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया है।
तो क्या करता है ये वॉटसन नाम का कंप्यूटर, ये जो है वो आप सभी लोगों को लीगल एडवाइस देता है, आपके हर एक प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन देता है, और वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। और हम सभी लोगों को पता है कि जब ह्यूमन जो है वो लीगल एडवाइस देते हैं तो उसमें 70% की भी कोई भी जो है वो एक्यूरेसी नहीं होती। तो ये वॉटसन नाम का कंप्यूटर आने वाले समय में कई सारे लॉयर्स, कई सारे एडवोकेट्स की नौकरी जो है वो खाने वाला है। मार्केट में सिर्फ वही लॉयर्स और वही एडवोकेट टिक पाएंगे जिसकी इस फील्ड में मास्टरी है, जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट है। पांचवा सबसे बड़ा चेंज जो इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है वो ये है कि भाई द फ्यूचर विल बी ऑफ ऑटोनोमस कार। अब क्या हुआ ये ऑटोनोमस का मतलब कि भाई ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के ही चलती है, उसमें कोई भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सभी लोग ये सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। 2 साल पहले ही 2018 में ही ऑलरेडी ऐसी कार जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो क्या होंगे ये ऑटोनोमस कार के फायदे, वो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये ऑटोनोमस कार आ जाने से सबसे पहले आपको कार को जो है वो परचेज करने की जरूरत नहीं होती। यू डू नॉट नीड टू ओन अ कार। इसके बाद जो है आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन से ही इस कार को बुला सकते हैं, आपको इस कार को पार्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। और आज जितने भी ये पार्किंग स्पेसेस जो है वो सभी कारों से भरे हुए हैं, वो आने वाले समय में वो सभी जो पार्किंग स्पेसेस है वो ग्रीन पार्क्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और आज भारत में और पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग जो है वो कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं। तो ये ऑटोनोमस कार आ जाने से पूरे मार्केट में एक्सीडेंट जो है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएंगे और इसकी वजह से लोगों की जिंदगी भी बच जाएगी। छठा चेंज जो इस इंडस्ट्री में आने वाला है वो ये है कि भाई कार इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल विल डिसअपीयर। मार्केट में ऑटोनोमस कार आ जाने से एक्सीडेंट जो है वो एकदम डिक्रीज हो जाएंगे और इसकी वजह से ये कार इंश्योरेंस का बिजनेस मॉडल है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए ये जो कार इंश्योरेंस कंपनी आप सभी लोगों से बड़े बड़े नोट ले रही है आज, वो कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पानी के भाव पर इंश्योरेंस देने के लिए तैयार होगी। सातवां चेंज जो इस पूरी सोसाइटी के अंदर होने वाला है वो ये है कि भाई यू विल चेक योर फ्यूचर डिजीज विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई आप भविष्य में, आपको भविष्य में होने वाली बीमारी का पता आज ही लगा सकते हैं। कैसे होगा ये? तो भाई कई सारी मेडिकल कंपनीज ने कई सालों से ट्राइकोडर नाम की डिवाइस जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। क्या करेगी ये ट्राइकोडर नाम की डिवाइस? ये डिवाइस जो है सबसे पहले आपके फोन से कनेक्टेड होगी, इसके बाद आपका रेटिना स्कैन करेगी, इसके बाद आपका ब्लड सैंपल भी लेंगी, और इसके बाद आपके शरीर के 54 बायोमार्कर्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके आपको ये बता देंगी कि आपको भविष्य में कौन से रोग जो है वो लागू पड़ने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आने वाला कल बहुत ही बदलने वाला है, इसलिए आने वाले कल के लिए तैयार रहिए। बी रेडी फॉर टुमारो एंड बी रेडी फॉर चेंज। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा, इस लर्निंग पर यहां पर जो है वो इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पर फैलाना भी मत भूलना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अंटिल वी आर मीटिंग नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द चैनल एंड वॉचिंग द वीडियोस। We will see you soon in next few days with new more topics. Till then, thank you very much. Bye-bye. Take care and see you soon.